कंग्रेचुलेशंस नवदीप। थैंक यू सो मच सर। हाँ नवदीप, क्या स्कोर बना है आपका? सर मेरा ओवरऑल CLB 10 बना है और आई गॉट 89 और राइटिंग में 90 है मेरे और रीडिंग में भी 89 और लिस्टिंग में भी 89। सो इट इज CLB 9 ईच बेसिकली। एंड आपका रिक्वायरमेंट कितना था? सर मेरा CLB 9 ही था। CR 777 8 इक्विवेलेंट, राइट? यस सर। ठीक है। एंड नवदीप, कब से प्रिपेयर कर रहे हो आप, और क्या ये PT फर्स्ट टाइम आप दे रहे थे? इससे पहले आपने IELTS किया था, सेल्पेप, क्या हिस्ट्री थी आपकी? सर पहले मैंने 2 अटेम्प्ट आईएलटीएस के दिए थे, आईएलटीएस जीती, तो उसमें सेम प्रॉब्लम था कि मेरे राइटिंग में स्कोर नहीं आ रही थी, तो ठीक है। हर बार हाफ बैंड या 1 बैंड का हो जाता था। उसके बाद फिर मैंने एक ट्राई सेल्पअप में भी दिया था, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम था कि राइटिंग में आई गॉट 12, तो बाकी जैसे उसमें रीडिंग और लिसनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। रीडिंग का आ गया था एक बार, तो लिसनिंग का नहीं आया था, तो सेल्फ एक हेल्प के अटेम्प्ट मैंने अंदर सेल्फ हेल्प, हाँ जी, और फिर मैंने PT कोर्स दिया था। उसके बाद ठीक है। आपसे ही स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस लिए थे, बट फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था थोड़ा टाइम, क्योंकि मेरा तभी एग्जाम देने का बन नहीं रहा था। तो उसके हाँ बाद फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट PT कोर का दिया, तब मैंने सीरियस होके नहीं लिया था। क्लासेस आपके लगाए हुए थे बट मैं सीरियस नहीं थी उस टाइम पे, मैंने ऐसे एग्जाम दे दिया था। मुझे ये था कि बहुत ईजी है, ठीक है। तो उस टाइम भी ना आपका ही मैं, स्कोर आई थिंक CLB 8 बना था उस टाइम पे शायद आपका, हाँ जी सर, CLB 8 था उस टाइम पे। ठीक है। तो नवदीप, आयल्स के कंपेयर में कैसा लगा आपको, सेल्फ पेप या आयल्स के कंपेयर में, और सेल्फ पेप के कंपेयर में PT कैसा लगा? सर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत इजी है, और उनमें क्योंकि क्या डिफिकल्टी है उन दोनों दोनों के अंदर? डिफिकल्टी ये है सर कि राइटिंग में आपको बहुत सारे मतलब एसेज के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, जैसे बहुत डिफरेंट फॉर्म्स के ऐसे हैं। तो PT में राइटिंग का मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा कि आपको ईमेल और समराइज वगैरह के ऊपर ही फोकस करना पड़ता है, मोस्टली ज़्यादा ब्लैंक्स और डिक्टेशन के ऊपर ही। तो वो बहुत इजी लगा मुझे कि आपको राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। ठीक है, दैट्स वन थिंग। एंड सिंस आपने आई थिंक जीरो से स्टार्ट किया था PT, रहे उससे पहले आपको PT यस नहीं सर आता था, जी। तो आपने टैम्पलेट्स वगैरह कौन कौन से फॉलो किए, लाइक डिस्क्राइब इमेज के लिए और रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, ये कैसे अटेम्प्ट किया आपने? सर ऑब्वियसली आपका ही किया था, डिस्क्राइब इमेज जो आपने टेम्पलेट दिया था वही सेम फॉलो किया था, और जो रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन था उसको यू से आई को रिप्लेस करके हेलो सेम रिप्लेस करके, एग्जैक्ट। यस सर, ठीक है। एंड ईमेल में भी सेम ही स्ट्रक्चर था आपका, यस सर। ठीक है। एंड नवदीप, क्लासेस कैसी रही है आपकी ओवरऑल? सर क्लासेस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, तो मुझे कभी ये हुआ नहीं कि मैं किसी और टीचर के पास जाऊं। तो उसमें सब समझ आ जाता था आपको? सर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते थे तभी तो क्लियर हो गया, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ठीक है नवदीप। तो एक्सपीरियंस आपका एग्जाम का कैसे था, उस टाइम पे कैसा लग रहा है आपको, लाइक आयल्स के कंपेयर में इसमें ज्यादा नर्वसनेस होती है या? नो सर, बस स्पीकिंग टाइम पे थोड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले स्पीकिंग मॉड्यूल होता है, आप जैसे अपीयर कर रहे होते हो तो यूज टू नहीं होते, तो स्पीकिंग टाइम मुझे हुआ था बट ओवरकम हो जाता है विद टाइम में। ठीक तो है। मुझे थोड़ा हो रहा था कि मेरी वॉइस शिवर करना स्टार्ट हो गई थी, बट मैंने ओवरकम किया क्योंकि एग्जाम बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, तो आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है। एंड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपने वो अटेम्प्ट किए थे, एमसीक्यूज वगैरह, सर या आपने स्किप हाँ जी, किए, मतलब एक दो ऑप्शन लगाया, या सीरियस होकर अटेम्प्ट किया, कैसे किया उनको? नहीं सीरियस होके तो नहीं किया सर, वो जैसे आपने बोला था कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए डाले होते हैं, तो हाँ मैंने जस्ट उनको थर्ड ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन क्लिक किया और नेक्स्ट। ठीक है। तो और नवदीप, आप रेगुलर बेसिस पे कितना स्टडी करते थे? सर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मैंने राइटिंग का इतना ज़्यादा नहीं किया था और रीडिंग के ऊपर भी कुछ इतना फोकस नहीं किया था। मेरा ये था कि मैं स्पीकिंग के ऊपर थी, मुझे था कि मुझे स्पीकिंग का स्पीकिंग करना का है कि डर ज्यादा बाहर था। जाके, हाँ
हाँ जी, बट उसी चक्कर में मैंने स्पीकिंग में 88 ले लिए थे, तो मेरे राइटिंग में कम हो गए थे क्योंकि मैंने ब्लैंक्स का नहीं प्रैक्टिस किया था, तब मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। जैसे आप बोलते थे कि ये इतने मार्क्स का आएगा, आप हर सेशन के पहले बताते थे, पर मुझे ये था कि इजी है, मेरा तो हो जाएगा। ब्लैंक्स मुझे बहुत इजी लगते थे, बट ठीक एग्जाम है में वो ब्लैंक्स की वजह से ही मेरा हुआ था क्योंकि मैंने उनकी प्रैक्टिस नहीं की थी। ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट अटेम्प्ट था आपका फाइनल अटेम्प्ट, तो इसमें क्या चीज़ चेंज किया आपने, इसमें किस किन चीज़ों पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया? तो मैंने पहले ग्रामर के रूल्स भी किए थे, आपसे भी मैंने एक पर्सनल क्लास ली थी, तो डाउट क्लास, तो मुझे ग्रामर के रूल्स का था कि मे बी उसकी वजह से ना मेरा गलत हो, क्योंकि मैं ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर रही हूँ खुद को। तो फिर मैंने ग्रामर के रूल्स पढ़े पहले, फिर आपसे क्लास भी ली थी मैंने एक पर्सनल, तो मैंने फिर ओवरऑल पूरा एक अपना नोट्स में सबसे पहले मैंने 3-4 पेजेस का यही रेडी किया था कि रीडिंग के कितने मार्क्स कहाँ कंट्रीब्यूट होंगे, सबके लिसनिंग, राइटिंग के कौन कौन से आ रहे हैं, तो वो सारा मैंने पहले उसके ऊपर फोकस किया था कि ब्लैंक्स कितने देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया था। जब एग्जाम भी हो रहा था तो मुझे ये पता था कि जो ये फिलअप्स हैं इनका राइटिंग में जाएगा, तो मैं पूरा फोकस्ड होके कर रही थी उस टाइम पे, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दी। ठीक है। मेन क्वेश्चंस कौन से थे जिनके ऊपर आपका फाइनल अटेम्प्ट में मेन ध्यान था कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, मतलब इनमें मुझे ज्यादा रिस्क है? क्योंकि सर फर्स्ट टाइम में मेरे रीडिंग में कम हुए थे मार्क्स, तो मैंने रीड अलाउड के ऊपर फोकस किया था, रिपीट सेंटेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, फिर उसके बाद जो रीडिंग और राइटिंग के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो, और डिक्टेशन के ऊपर और फिलअप्स। ठीक है। एंड जो वेबसाइट्स होती हैं उनके कंपेयर में एग्जाम कैसा लगा आपको, रिपीट सेंटेंसेस और डिक्टेशन कितनी टफ आती हैं वहाँ पे? सर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा इजी थी, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें लगता होता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में ही होते हैं, कोई हाई फाई वोकैब भी नहीं आती उसमें, तो बहुत इजी लगा मुझे डिक्टेशन और रिपीट ठीक है। सेंटेंस। तो मतलब बाकी एग्जाम से आईएलटीएस एलपी वगैरह से कंपेयर करें तो ये अगर आप ठीक ढंग से प्रिपेयर करते हो तो इजीली आप यस सर, अचीव कर सकते हो अपना डिजायर्ड अचीव स्कोर। कर सकते हो। ठीक है, ठीक है नवदीप। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। बेस्ट थैंक ऑफ यू लक सो फॉर मच योर सर, फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, आपके गाइडेंस और सपोर्ट के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं 8777 के लिए, तो मैं यस सबको यही बोलूँगी कि आपसे कोचिंग ज़रूर ले लो। मैंने आप ठीक है, एक दो फ्रेंड्स को भी रेकमेंड किया है कि आपसे ही करें। ठीक है नवदीप। थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू।